प्रभु की सामर्थ प्रोग्राम में आज मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज इस कलाम के द्वारा आपसे बात करेगा। जवानों, आपकी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं आपके दिल के अंदर दफन रहती हैं। आप बहुत सा काम करना मांगते हैं और ना ही सिर्फ बहुत सा बड़ा काम करना मांगते हैं, पर चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए। पर सिद्धांतों की कमी है, कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे इन बड़े कामों को आप अंजाम दें। टैलेंट्स की कमी नहीं है, पर कैरेक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है कि उन कामों को पूरा कर सकें। आज मैं परमेश्वर के कलाम से आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने टैलेंट्स को और अपने चरित्र को, दोनों को बहुत मजबूत कर सकते हैं और आप इस दुनिया में बड़ा नाम कर सकते हैं। ना ही सिर्फ आपका नाम बड़ा होएगा, मगर आप अपने माँ बाप के लिए बड़ा नाम करने वाले बेटे या बेटी कहलाएंगे। आइए, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम से कुछ ऐसी बातों को दिखाना मांगता हूं जो आपको बहुत आशीष देगा। आपको मालूम है, बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा गया है जिसका नाम है सुलेमान, और पूरी दुनिया में यह कहावत चलती है कि यह सुलेमान के समान बुद्धिमान है। ना तो कोई पृथ्वी पर इतना बुद्धिमान हुआ, ना कोई इतना धनी हुआ जिसके बराबरी आज कोई भी आदमी कर सके। आज मैं आपको उस सुलेमान के कुछ कथन के विषय में बताना मांगूंगा जो उनने जवानों के विषय में लिखे हैं, और यह बताया है किस तरीके से जवान आगे बढ़ सकता है और अपने नाम को बहुत ऊंचा बना सकता है और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहर सकता है। क्या आप दूसरों के लिए आशीष बनना चाहते हैं? क्या आप अपने नाम को बड़ा करना मांगते हैं और यह चाहते हैं कि मेरा नाम दुनिया में हो, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने? अगर आप ये चाहते हैं तो ये वचन आपके लिए है। आइए, मैं परमेश्वर के वचन से कुछ चीजों को आपके साथ बांटूंगा। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 12 आयत तक कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी तसल्ली देने वाली हैं और प्रिंसिपल से भरी हुई हैं या सिद्धांतों से भरी हुई हैं जो मेरे जीवन को और आपके जीवन को मजबूत कर सकती हैं। आइए देखें, सुलेमान बादशाह जो सबसे अकलमंद बादशाह रहा है, और आज तक कहावत है कि तुम सुलेमान के समान बात कर रहे हो या सुलेमान के समान बुद्धिमान हो। देखिए, ये सुलेमान जो बहुत बुद्धिमानी वाली बातें करता है, आज आपसे और मुझसे परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या कहना मांगता है। लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अगर आप बड़ा बनना मांगते हैं तो सबसे पहला प्रिंसिपल यह है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने दिल में रखिए। कई बार हम आज्ञाओं को सुनते तो हैं पर हम अपने दिल में नहीं रखते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अपनी माँ बाप की बातों को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, पर इससे आप बड़े नहीं बनते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल कि परमेश्वर की दी गई आज्ञाओं को, अपने माँ बाप की दी गई आज्ञाओं को अपने दिल में रखें। दूसरी बात, क्या होता है जब इन आज्ञाओं को अपने दिल में रखते हैं? लिखा हुआ है 2 आयत में, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। जब आप ये काम करते हैं तो 2 चीजें होती हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने दिल में रखते हैं, पहली बात, परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाता है। अब बताइए, कौन आदमी है जो ये नहीं चाहेगा कि मेरी आयु बढ़ जाए? कौन आदमी है जो ये नहीं चाहेगा कुशल से रहे? बाइबल बता रही है कि ना ही सिर्फ माँ बाप की आज्ञा मानने से या परमेश्वर के इस वचन का पालन करने से आपकी उम्र बढ़ेगी, पर साथ में बता रहा है कलाम कि आपकी कि आप बहुत कुशल से रहेंगे। सिर्फ कुशल से नहीं, अधिक कुशल से रहेंगे। That means God is going to bless you. You remember John chapter 10 and verse 10? Jesus ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ जीवन नहीं देने आया हूं पर बहुतायत का जीवन देने आया हूं। जब आप परमेश्वर के कलाम को अपने दिल में रखेंगे, ना ही सिर्फ परमेश्वर आपको आपकी उम्र को बढ़ाएगा, पर आपकी उम्र की बढ़ाने के साथ साथ वो आपको डबल ब्लेसिंग्स देगा, ऐसी ब्लेसिंग्स देगा जो आपने कभी सोची भी नहीं है। आगे लिखा हुआ है 3 में, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। लिखा हुआ है कि कृपा और सच्चाई आपसे और मुझसे अलग नहीं होनी चाहिए। कई बार हम लोग जब बहुत बड़े बनने लगते हैं या हमारे पास बहुत ब्लेसिंग्स आने लगती हैं, तो हम भूल जाते हैं व्हाट इज इट टू बी अ ब्लेसिंग टू समवन एल्स। हम कृपा करना भूल जाते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करना भूल जाते हैं। घमंड से आदमी भर के
इतना ज्यादा चौड़ा हो जाता है कि वो ये भूल जाता है जब उसको जरूरत पड़ रही थी तो उसको कैसा महसूस हो रहा था। हम लोग को कृपा और भलाई अपनी नजरों से, अपने दिल से, अपने कामों से कभी अलग नहीं करना है। फिर क्या होता है, लिखा हुआ है, वर अपने गले का हार बना लेना। किसको? कृपा और भलाई को अपने गले का हार बना लेना। हार किस लिए इस्तेमाल होता है? हार इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, लड़कियां पहनती हैं या राजा महाराजा पहनते हैं, क्योंकि जब वो हार पहनते हैं तो उससे पता चलता है भैया बहुत अमीर आदमी है, ये बहुत धनी आदमी है। आपको मालूम है आपको धनी कौन बनाता है? आपकी कृपा और आपकी भलाई जो लोग देखते हैं वो आपको धनी बनाती है। हो सकता है आप बड़ा हार पहने हो और लोग आपको देख के बोल रहे हो भैया बड़ा अमीर आदमी, बड़ा बेकार आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी है, मगर इसके साथ रहने में मजा नहीं आती है। जरा सोच के देखिए, जब कृपा और भलाई आपका हार बन जाए और लोग आपको देखें तो क्या कहेंगे? कहेंगे यार बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा भला आदमी है, आपकी बड़ाई करेंगे। क्या फायदा सोने का बड़ा हार गले में पड़ा हो मगर सब लोग गालियां बकरे हों, बजाय उसके हमारे पास एक ऐसा हार हो जो लोग हमको देखें तो बोलें वाह क्या बात है, इस आदमी के साथ रहने में अलग ही मजा है। कृपा और भलाई आपसे दूर नहीं होनी चाहिए। पहला सिद्धांत, परमेश्वर का वचन आपके दिल में रहे। दूसरी बात, अपने कानों से बात को सुन के परमेश्वर की दूसरे कान से ना निकाल दें। फिर उसके बाद कृपा और भलाई को अपने गले का हार बना लें, जब बढ़ने लगे तो घमंड से ना बढ़ जाएं। आइए लेट्स गो लिटिल फर्दर, चौथी आयत को पढ़ेंगे। तीसरी आयत का एक पोर्शन और है जो मैं आपके साथ बांटूंगा। लिखा हुआ है, और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। क्या? कृपा और भलाई को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना, ना ही सिर्फ गले में का हार बनाना मगर उस कृपा और भलाई को अपने दिल के ऊपर भी लिख लेना। कई बार पता हम लोग उस कृपा और भलाई को हार सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें दूसरों को बताना होता है, देखा मैं कितना भलाई करने वाला आदमी हूं, मैंने कितनी कृपा करी है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर कह रहा है इस कृपा और भलाई को ना ही सिर्फ अपना हार बनाना पर इन बातों को अपने दिल पर रख लेना। कितनी खूबसूरत बात है ना। कई बार जो शब्द हमारे मुंह में होते हैं वो दिल में नहीं होते हैं या हम दिल से नहीं कहते हैं, पर परमेश्वर बता रहा है कि इन बातों को सिर्फ तुम्हारे मुंह पे या तुम्हारे लफ्जों में नहीं होना है पर तुम्हारे दिल पे भी होना है। कृपा और भलाई आपके दिल में होनी चाहिए। लेट्स गो टू वर्स 5। लिखा हुआ है, सॉरी लेट्स गो टू वर्स 4। देखिए क्या लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। डू यू वॉन्ट टू बी वाइज? यस, इफ यू वॉन्ट टू बी वाइज दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। यू नो वॉट इट इज सेइंग? इट इज सेइंग कि जब तू कृपा और भलाई करेगा तो तू मनुष्य का भी अनुग्रह पाएगा और तू परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएगा और तू बहुत बुद्धिमान होएगा। सी व्हेन यू आर फुल ऑफ ग्रेस, व्हेन योर लाइफ इज फुल ऑफ मर्सी फॉर ऑल अदर्स, जब आप चाहते हैं आपका जीवन दूसरों के लिए बरकत का कारण बन जाए तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत देता है और आपको बहुत बुद्धिमान बनाता है। वर्स 5, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कई बार जब हम बड़ा बनना चाहते हैं और जब हम देखते हैं कि बहुत एफर्ट्स के बाद भी बड़े नहीं बन पा रहे हैं तो ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए या जो हमें शोभा नहीं देने चाहिए, जो हमें शोभा नहीं देता है, किसी की भी बात सुन के कुछ भी करने लगेंगे। बहुत से जवान बच्चे अपना घर ही छोड़ के चले जाते हैं, बहुत से जवान बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ बगावत कर देते हैं, बहुत से जवान बच्चे चर्च में नहीं जाते हैं। बाइबल क्या बता रही है? मैं एक जवान से बात कर रहा था, फेल हो गया एग्जाम में। जस्ट बिकॉज ही फेल्ड इन द एग्जाम्स, डू यू नो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग? ही वेंट इनटू ड्रग्स। नॉट ओनली ही वेंट इनटू ड्रग्स, सम ऑफ द किड्स हैव गॉन इनटू अल्कोहल। क्यों अल्कोहल पीने लगे? भैया क्या करें, दुनिया में कोई फायदा नहीं है। नहीं, हिम्मत मत आ रही है। ये आपको किसने बताया कि अगर आप फेल हो गए तो आप शराब पियेंगे? ये आपको किसने बताया कि आप फेल हो गए तो माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते, आप जाके मर जाएंगे? Who told you that? अरे उन माँ बाप ने जिनने आपको इतना बड़ा किया है, जो आपसे इतना प्यार करते हैं, जिन्होंने आपको पाल पोस के आज इतना बड़ा कर दिया कि आप डिसीजंस ले सकते हैं, क्या आप ऐसे डिसीजंस लेंगे कि आप अपनी जवानी को ड्रग्स के हाथों में कर देंगे, अल्कोहल के हाथ में कर देंगे, या आप जाके अपने आप को खत्म कर लेंगे? नहीं, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। डू यू नो व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर का वचन सुनने की जरूरत है, अपने जीवन को उसके हाथ में रखने की जरूरत है। इस कान से सुन के इस कान से ना निकाल दीजिए। आपको कृपा से भरने की जरूरत है। यू नो मेनी ऑफ द टाइम्स व्हाई वी आर नॉट हैप्पी? बिकॉज वी आर सेल्फिश। सेल्फिशनेस को दूर करिए, घमंड को दूर करिए और दूसरों के लिए आशीष बनने का कारण बनिए, दूसरों के लिए आशीष बनिए, आशीष का कारण बन जाइए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, गॉड विल लिफ्ट यू अप।
एंड गॉड विल मेक यू वेरी वाइज, परमेश्वर आपको बहुत बुद्धिमान बना देगा। अपनी समझ का सहारा मत लीजिए, दोस्त बहुत सी चीजें बताएंगे जो सही नहीं है, पर सही कौन है? परमेश्वर का कलाम। परमेश्वर का कलाम पढ़िए, अपने माँ बाप की बातों को सुनिए, देखिए परमेश्वर आपको बहुत बुद्धिमान बना देगा। दिस इज एन अमेजिंग वर्ड्स। जब कभी मैं किसी जवान के बर्थडे पे जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ ये वाली वर्ड्स जरूर उनके साथ शेयर करूँ। लिखा है, तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। हमारी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में बहुत फर्क है। फॉरगेट अबाउट आस्किंग द विजडम ऑफ गॉड। हमारी बुद्धि और हमारे माँ बाप की बुद्धि में बहुत फर्क है। हमारे माँ बाप बहुत सी मैच्योर बात करते हैं, पर हम बहुत सी इमेच्योर बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो सही नहीं है। अपने माँ बाप की बातों को सुनना है, और उससे ज्यादा परमेश्वर के कलाम के साथ माँ बाप जब हमारी अगुवाई कर रहे हो तो ये और भी अच्छी बात होती है। वी मस्ट लिसन। अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। फिर क्या करना? अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। फिर क्या होएगा? तो वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है वर्स 6 में, उसी को स्मरण करके सब काम करना। कई बार हम बहुत से काम करते हैं, पता नहीं किसको स्मरण करके करते हैं। बहुत से जवान लड़के तो बहुत सी जवान लड़कियों को स्मरण करके अपने काम को कर रहे हैं, उसकी याद में पागल हो गए। क्यों अपने जवानी को बर्बाद कर देना? एवरीथिंग इज नॉट अराउंड द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। आज आपने अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर लिया? दोस्त को याद करते हुए, मेरे दोस्त ने ऐसा बोला तो इसलिए मैंने कर लिया। नहीं, यहोवा को याद करते हुए सारे काम करिए, परमेश्वर को याद करते हुए सारे काम करिए। What is God wanting you to do? What is your mom and dad wanting you to do? परमेश्वर क्या चाहता है? किसको स्मरण करके, किसको याद करके अपने सारे काम कर रहे हैं? जिसको याद करके आप काम कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, वैसे ही फल भी आते हैं, वैसे ही रिजल्ट आते हैं। The word of God is saying, परमेश्वर को स्मरण करके अपने सारे कामों को कर, और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर आपको मार्ग समझ में नहीं आ रहा है, यू डू नॉट नो वेयर टू गो, यू डू नॉट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ, आस्क गॉड। Go to the Lord in prayer. Take the word of God. Read the word of God. And then God is going to make a wonderful way for you. आपको समझ में नहीं आ रहा, confusion है? For example, हो सकता है आपने अपना 12th pass कर लिया हो, अब आपको एक subject choose करना है. You're not understanding which subject to take. Go and pray. Ask the Lord. God is going to direct you how you should do it. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, हो सकता है आपने graduation कर लिया, आप job के लिए परेशान है, कौन सी job करनी चाहिए? जाइए दुआ करिए, परमेश्वर के सम्मुख जाइए, बोलिए प्रभु मेरी मदद करिए। आपकी शादी नहीं हुई है या शादी होने वाली है, बहुत से प्रपोजल्स आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा विच प्रपोजल इज राइट, गो टू द वर्ड ऑफ गॉड, लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड एंड आस्क लॉर्ड हेल्प मी, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू डू इट योर लाइफ इज गोइंग टू बी बेटर। डू यू नो, आपको मालूम है बहुत से लोग अपनी लाइफ में क्यों बहुत मेस्ड अप हैं या बहुत उनका जीवन क्यों बर्बाद हो गया? क्योंकि वो दूसरे की समझ के सहारा लेके अपने कामों को करते हैं, दूसरे की बात को स्मरण करके अपने कामों को पूरा करते हैं। दूसरे की बात को स्मरण करके अपने कामों को ना करिए, परमेश्वर की बातों को स्मरण करके, परमेश्वर के वचन को याद करके अपने कामों को पूरा करिए, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेट मी रीड फॉर यू वर्स 7। देखिए क्या लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। ओह माय गॉड, डू यू नो दिस इज द प्रॉब्लम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आदमी को ऐसा लगता है कि जो भी काम मैं करता हूं वो सही है, पर परमेश्वर का कलाम क्या बता रहा है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। देन व्हाट इट सेज, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आज पूरी दुनिया 400 BC सिखा रही है, पर बाइबल बता रही है कि यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। व्हाट हैपेंस, जब आप बुराई से दूर रहेंगे आपका शरीर भला चंगा रहेगा, आपकी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। ऑपोजिट क्या है? हड्डियां टूट जाएंगी। गलत लड़कों की संगति में जाओगे तुमको फंसा देंगे, तुम्हारा जिस्म को बर्बाद करवा देंगे, लड़ाई झगड़ा करा देंगे, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, गलत चीजों में इन्वॉल्व कर देंगे। डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू रॉन्ग स्टफ, डोंट गो इनटू फाइटिंग्स, डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ विद सच काइंड ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दैट स्पॉइल योर लाइफ। मत फंसी ऐसे लड़कों के बीच में जो लड़ाई दंगा करते हैं, मत फंसी ऐसे लोगों के बीच में जो आपकी शक्ति का और आपकी जवानी का इस्तेमाल करके गलत कामों को करवाते हैं, पैसे का लालच देते हैं और चीजों का लालच, पावर का लालच देते हैं। डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट। यू नो व्हाई? बिकॉज ये अच्छा नहीं है। What is the word of God? लिखा हुआ है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना। अरे मम्मी आपको नहीं मालूम है वो मेरा दोस्त जो है ना उसका क्या क्या पहुंच है। मत ऐसी बातें करिए, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, क्योंकि अपनी बुद्धि का सहारा लेके अगर ये काम करेंगे और यहोवा के भय को आप अपने अलग से, अपने दिल से अलग कर देंगे, बाइबल बता रही है अगर आप बुराई से अलग नहीं रहेंगे तो हड्डियां तक टूट जाएंगी। बट
इफ यू आर गोइंग टू लिसन टू द लॉर्ड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां हष्टपुष्ट रहेंगी, यू विल बी इन अ गुड शेप इवन फिजिकली. वर्स 9, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना. सारा पैसा आपके लिए नहीं है. यू गो व्हेन यू गो एंड यू गो एंड अर्न, bring the first fruits of your salaries, give it in the church, give it to your pastors, give it for the kingdom of God. When you honor the kingdom of God, jab aap parmeshwar ke raj ko honor karte hain, jab aap parmeshwar ke raj ko ooche pe uthate hain, apni kamai ka pehla hissa jab la ke aap parmeshwar ko dete hain, apni kamai la ke dete hain, to parmeshwar aapki salaries pe barkat deta hai. Hamare church mein ek bahut pyara bachcha hai, we were having some needs in the church. और उसकी पहली सैलरी आई. जब उसकी पहली सैलरी आई तो उसने बोला, भैया मैं ये चाहता हूँ कि अपनी पूरी पहली सैलरी चर्च के अंदर दूँ. I said, why? You don't need money. He said, I need money. But when I'm going to do this, I know my God will bless me. मेरा प्रभु मुझे बरकत देगा. और मैं आपको बताना मांगता हूँ, उस बच्चे ने अपनी पूरी सैलरी चर्च में दे दी और आज परमेश्वर उसे बहुत इस्तेमाल कर रहा है. एंड ही इज गेटिंग अप, ही इज इन अ वेरी गुड जॉब, वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड. यू वॉन्ट टू बी सेटिस्फाइड सिर्फ अपने लिए नहीं, मगर परमेश्वर के राज के लिए काम करिए. जिस तरीके से उस बच्चे ने काम किया और उसको बहुत बरकत मिली. आई हैव अनदर फैमिली, दिस डियर लेडी इन माय चर्च, ये एक स्त्री है जो हमारे चर्च में है और इनकी पहली सैलरी आई. काफी दिनों बाद इनकी सैलरी आई थी, बहुत समय बाद इन्हें नौकरी मिली. जब इनको नौकरी मिली और इनकी अच्छी सैलरी आई, इन्हें पूरी सैलरी ला के चर्च में दे दी, सिर्फ इसलिए सो दैट द किंगडम ऑफ गॉड कैन बी ब्लेस्ड बाय हर वर्क. डू यू नो व्हाट गॉड इज ब्लेसिंग हर टुडे. इन द सेम वे, इसी तरीके से जब आपकी सैलरीज आती हैं, जब आपकी पहली सैलरी आती है, Don't think about yourself, but think about the kingdom of God. क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आप परमेश्वर के राज को अपने से ज्यादा importance दे रहे हैं. जरा सोच के देखिए, अगर आप उस परमेश्वर को अपने से ज्यादा importance देंगे, तो क्या वो परमेश्वर सब चीजों में आपको बहुत importance नहीं देगा? Of course, बहुत importance देगा. परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा. These are the principles from the word of God. Verse 10. इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंड से नया दाक मधु उमड़ता रहेगा. When you do this, what happens? जब आप ऐसा करते हैं, अपनी सैलरीज ला के दे देते हैं, पूरी पूरी सैलरीज ला के आपने दे दी, फर्स्ट सैलरी, बाइबल बता रही है कि यू विल लैक नथिंग. दैट मीन्स योर बॉन्स विल बी फुल. हर समय आपके पास आपकी जरूरत का सामान बना रहेगा, आपके खत्ते भरे रहेंगे, खाने की कमी नहीं होगी, कपड़ों की कमी नहीं होगी. और लिखा हुआ इन एन अमेजिंग वे, आपके लिए नई नई चीजें परमेश्वर करता रहेगा. मैं आपको एक किस्सा बताना मांगता हूँ अपने चर्च की एक बहन का. इसकी शादी होने वाली थी और चर्च में पैसे की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बड़े काम को कर रहे थे और हमें पैसे की जब ज़रूरत पड़ी तो इस लड़की ने बोला कि भैया मैं चर्च में 20,000 रुपये देना मांगती हूँ. मैंने बोला, तुम्हारी तो शादी का टाइम है, तुम कैसे 20,000 रुपये दोगी? हाउ विल यू मैनेज? शी सेड, नो, आई वॉन्ट टू गिव इट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. उसने 20,000 रुपये तो दे दिए, पर 20,000 रुपये देने के बाद जब शादी का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया और कुछ पैसा नहीं था, तो ये सोचने लगी अब मैं क्या करूँगी. पर इसने बोला, परमेश्वर ये काम तो मैंने आपके लिए और आपके राज के लिए किया है. आपका वचन बताता है जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे खत्ते भरे रहते हैं, हमारे रसकुंडों से नया दाक मधु उमड़ता रहता है. इन अ न्यू वे यू कैन मेक अ ब्लेसिंग फॉर अस, फॉर मी टू. और जब वो दुआएं कर रही थी और वेट कर रही थी कि किसी तरीके से परमेश्वर इसको बरकत दे, मैं आपको बताना मांगता हूँ बोनस अनाउंस हुआ. और जब बोनस अनाउंस हुआ तो शी गॉट अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज, समवेयर बिटवीन 60,000 to 80,000 रुपीज. शी गेव 20,000 इन द चर्च, बट 60,000 to 80,000 रुपए तक की बरकत परमेश्वर ने इसे दी. इसकी शादी बहुत धूमधाम से हुई और गिफ्ट्स इतने मिले कि अप्रोक्सीमेटली 2,00,000 रुपए तक के गिफ्ट्स थे. दिया कितना था? 20,000 रुपीज. ब्लेसिंग्स अबव 2,00,000 रुपीज. ये किसने किया? परमेश्वर ने किया. मैं ये किसी बुजुर्ग लोगों की बातें आपसे नहीं बोल रहा हूं, मैं आज आपसे उन जवानों के विषय में बात कर रहा हूं जिन्होंने इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में रखा. 11th वर्स, हे मेरे पुत्र. ब्यूटिफुल ना, गॉड ऑलवेज स्पीक्स टू अस लाइक ही इज अवर डैडी. हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है. अगर आज ये वचन जो मैंने आपसे शेयर किया आपको ऐसा लग रहा है कि हमें तो लग रहा था ये पास्टर टेलीविजन से आके हमको डांट रहा था, डांट ना मानिए, इसको डांट ना मानिए, पर इसको परमेश्वर की शिक्षा मानिए जो परमेश्वर के वचन से आज मैंने आपके साथ बांटी है. और परमेश्वर का वचन कहता है जो बाप अपने बच्चों से प्यार करता है
उसको डांटता है, शिक्षा देता है। ये बातें आपकी शिक्षा के लिए हैं। जवानों, बहुत से लोगों ने अपने जीवनों को बर्बाद कर दिया है, पैसे के चलते, दोस्तों के चलते, ड्रग्स के चलते, अल्कोहल के चलते, पावर के चलते, ग्लोरी ग्लैमर के चलते। पर आज आपके पास टाइम है और समय है कि आप अपनी अकल, अपनी समझ का सहारा ना लेके परमेश्वर के वचन के पीछे चलें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे। मेरी प्रार्थना और दुआ ये है कि परमेश्वर का कलाम आपके दिल में बना रहे और आपके घर, आपका जीवन, आपका फ्यूचर परमेश्वर की ब्लेसिंग से भरा रहे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आज तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है और आप बाइबल के विषय में नहीं जानते हैं, स्क्रीन पे नंबर्स हैं, ज़रूर से इन स्क्रीन से नंबर्स ले सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई ना कोई आपके लिए दुआ करेगा, आपके साथ प्रार्थना करेगा, आपको परमेश्वर के वचन में आगे लेके चलेगा। और आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आज मेरे साथ इस प्रार्थना को कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं अपने जीवन को आपके हाथ में रखना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आ जाइए। आज मैं आपको अपने जीवन का स्वामी बनाना चाहता हूँ। आज से आप मेरे प्रभु बन जाइए, मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे जीवन को शुद्ध और साफ कर दीजिए और मेरे जीवन को बदल दीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। अगर आप ये प्रोग्राम बैंगलोर में कहीं पर भी देख रहे हैं, ज़रूर से दिए गए एड्रेसेस पे और इन टाइमिंग्स पे आप आके हमारे साथ फेलोशिप कर सकते हैं। जाइएगा मत, इस ऐड को देखिए, इसमें डिटेल्स होंगी चर्च की जो आपको इन्फॉर्म करेंगी किस तरीके से आप चर्च में आके हमारे साथ सहभागी हो सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। अगर आप ये प्रोग्राम कहीं पर भी देख रहे हैं और आप चाहते हैं हमारे साथ इबादत करना, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि हमारी इबादत थ्रू आउट द वीक होती है। हर ट्यूसडे को हमारी बाइबल स्टडी होती है जो रात में 8 से 9 बजे तक होती है। थर्सडे को हमारे यहाँ फास्टिंग प्रेयर होती है जो शाम को 7 बजे से 8 बजे तक होती है। हर फ्राइडे को लेडीज प्रेयर मीटिंग होती है जो सुबह 11 से 12 बजे होती है। हर सैटरडे को किड्स फॉर क्राइस्ट होता है जिसको हम KFC के नाम से बोलते हैं, जहां पर बच्चे बहुत सी गंभीर बातों को परमेश्वर की सीखते हैं, और पूरा बच्चों का चर्च होता है जो शाम को 4 बजे से 5 बजे सैटरडे को होता है। फिर फाइनली हमारी संडे को 10 बजे इबादत होती है जिसमें बहुत से लोग आके परमेश्वर की इबादत करते हैं, और परमेश्वर इस चर्च के अंदर जो फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर है, इसमें हम परमेश्वर के चेहरे को देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं और बहुत आशीष बरकत पाते हैं। अगर आप इन इबादतों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हो सकते हैं। हमारे एड्रेसेस स्क्रीन पे हैं, जरूर से इन एड्रेस को ले लीजिए। फोन नंबर्स, ईमेल्स जो समय स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप इनको ले सकते हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। प्लीज नोट इट डाउन सो दैट यू कैन कम टू द चर्च। अगर आप किसी को चर्च रेफर करना मांगते हैं कि प्लीज इस चर्च जाइए, इस चर्च से हमें बहुत बरकत मिली है, तो आप उनको हमारा नंबर के बताइए कि हमारा एक रिलेटिव है, हम चाहते हैं कि हमारे ये रिलेटिव चर्च आए आपके और आपके साथ सहभागी हो, तो हम जरूर से उन्हें कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, सो दैट वी कैन जस्ट गो ऑन कीप वाचिंग पावर ऑफ गॉड प्रोग्राम। इसी तरीके से आप हमारे साथ खड़े रहिए ताकि हम आपको और नए नए प्रोग्राम्स लाके दिखाते रहें और आपको टीचिंग्स परमेश्वर के कलाम से देते रहें, जिससे आप अपने घर को बना सकें, परमेश्वर के राज्य में आप बरकत का कारण हो सकें और आपका जीवन खुशी से भरा रहे। मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु की सामर्थ आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी पर्सनल लाइफ में काम करती रहे। जय मसीह की।